हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हरियाली अनार से और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप पिस्ता वाले अनार से भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक और कमेंट देना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पुराने चावल लिए हैं 1 कप, और ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पुराने चावल ही लें और इसमें पानी में भिगो के अच्छे से धो लूँगी और इसे 3 दिन तक भिगा के रखूँगी और बीच बीच में इसका पानी चेंज करते रहेंगे, नहीं तो इसमें बदबू आने लगेगी। तो आप ये ध्यान रखें कि बीच बीच में इसमें का पानी हमें चेंज करना है और इसे 3 दिन तक रखना है। तो देखिए 3 दिन हो गए और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसका पानी भी निकाल लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और उसके नीचे इस तरीके से पेपर बिछा दिया है और अब मैं इसको इसमें डाल के सुखाऊँगी। इसे हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इसे हमें 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाना होगा ताकि जो चावल में पानी है वो सूख जाए। हमें एकदम कड़क नहीं करने हैं चावल को, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरीके से फैला देने के बाद मैं इसे 1 घंटे तक रहने दूंगी। और अब ये देखिए 1 घंटा हो गया है तो इसका जो पानी है वो सूख गया है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर चावलों ने नमी पकड़ी हुई है अभी भी, तो ये बढ़िया से हो गए हैं। तो मैं इसे मिक्सी के जार में निकाल लूँगी और उसके बाद इसका एक बारीक पाउडर बना लूँगी। हमें बिल्कुल भी बारीक पाउडर बनाना होगा। तो अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए इसे मैंने बारीक पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर हो गया है। पर इसे हम अच्छे से छन्नी में छान लेंगे। ये देखिए मैंने छन्नी में से ले लिया है और इसे छान लेंगे ताकि कोई भी जो चावल है वो सहगा रह गया हो वो से हम पीस सकें वापस से। तो इसे मैंने छान लिया है और ये थोड़ा मोटा रह गया है, इसे मैं वापस से मिक्सी के पॉट में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मिक्सी के पॉट में डालने के बाद इसी मिक्सी के पॉट में मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 कप पिस्ता, क्योंकि हम पिस्ता फ्लेवर बना रहे हैं तो हम पिस्ता ले लेंगे यहाँ पे 1/4 कप और इसे भी हम इसके साथ पीस लेंगे बारीक। अब ये मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे भी छन्नी में ले लूँगी और इसे अच्छे से छान लूँगी ताकि ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो जाए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा वो अलग कर देंगे हम। अनार से बनाते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपने चावल लिए हैं वो पुराने लें, क्योंकि जो नए चावल होते हैं वो बहुत जल्दी नमी पकड़ लेते हैं और कम पानी में जल्दी गल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पुराने चावल लेने हैं। अब इस दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मसल के आप मिक्स कर लें पिस्ता और चावल को, और यहाँ पर चावल नमी लिए हुए हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है 2 चुटकी। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद जो कलर है वो आ जाएगा इसमें। ये देखिए अभी हल्का ग्रीन कलर हो गया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप गुड़। गुड़ को यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा ड्राई वाला भी ले सकते हैं। अगर आप ड्राई वाला लेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दूध यूज़ करना पड़ेगा एंड में, पर इसके लिए अभी हमें यहाँ पे दूध ऐड नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे, उसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। थोड़ी देर मसलने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे मसलते रहिए बस, और आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से मसल लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं मिक्सी का जार लूँगी और उसके अंदर 1/2 पीस डाल के इसे पीस लूँगी ताकि जो गुड़ है वो चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने पीस लिया है इसे अच्छे से। अब मैं इसे निकाल लूँगी और जो दूसरा पीस रखा हुआ है उसे भी इसमें डाल के पीस लूँगी ताकि जो गुड़ है वो चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद जो ये आटा है ये और ज़्यादा पतला हो चुका है, तो इसे भी मैंने पीस लिया है और इसे मैं निकाल लूँगी। अब इसे मैं एक एयरटाइट डब्बे में भर कर 24 घंटे के लिए रख देती हूँ। इसे हमें अनार से बनाने होंगे 24 घंटे बाद ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो अब 24 घंटे हो गए हैं तो जो हमारा अनारसे का जो हमने आटा गूंथ के रखा है वो अच्छे से हो गया है। देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है यहाँ पे ये। अब मैं इसे निकालूंगी
अगर आपका जो ये आटा है ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दूध यूज़ करना होगा। ये देखिए ये मैंने निकाला है और मैं इसे थोड़ा सा मसल के देख रही हूँ। तो ये देखिए ये बढ़िया से नमी पकड़े हुए है, तो मैं यहाँ पे दूध यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपका जो आटा है अगर वो हार्ड हो जाता है यहाँ पे, तो आप इसमें बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध यूज़ करें ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना आटे को, ये इस बात का ध्यान रखें। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें और इस तरीके से उसे थोड़ा सा मसल लें। अब इसके बाद मैं इसकी बनाऊंगी छोटी छोटी लोइयें। आपको छोटी बड़ी जैसा भी अनारसा रखना हो वैसे आप लोइयां बना लीजिए, छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से इजीली बॉल बन रही है। अगर आप इसमें नहीं बन रही हैं तो थोड़ा सा दूध ऐड करिए और इसे अच्छे से बॉल बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर हम लेंगे खसखस, और खसखस को मैंने फैला लिया है और फिंगर्स में मैंने लिया है थोड़ा सा घी। अब एक बॉल मैं ले रही हूँ और इस तरीके से मैं खसखस के ऊपर रख दूँगी और दो फिंगर की मदद से इस तरीके से मैं इसे चपटा करूँगी और गोल गोल बना लूँगी। खसखस हमें एक साइड ही लगानी है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से लग गई है इजीली। इन्हें बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये कहीं से कटे फटे ना हो, क्योंकि जब हम इन्हें तलेंगे तो ये फूट जाएंगे। तो कहीं से भी अगर कटे हों तो उसे राउंड कर लें। तो अब ये हो गए हैं, तो हम एक कढ़ाई ले रहे हैं और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। आप चाहें तो तेल में भी इन्हें तल सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी अनारसे। अनारसे हमें जिस साइज से खसखस ऊपर होती है वो ऊपर रहना चाहिए और इस तरीके से हमें उसे तलना होगा। तेल उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालिए। गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम हाई है अभी, और जब अनारसों को डाल दिया है तो मैंने गैस की जो फ्लेम है वो मैंने लो कर दी है ताकि एकदम से अनारसे जले नहीं। ये देखिए फटाफट बन गए हैं ये, और चम्मच की सहायता से मैं इसका एक्स्ट्रा घी निकाल ले रही हूँ और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने। इसी तरीके से हम दूसरे अनारसे तल लेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 अनारसे एक साथ डाल रही हूँ। जहाँ पर खसखस लगी हुई है अनारसों में वो साइड मैंने ऊपर रखी है और इस तरीके से मैं घी उनके ऊपर डाल रही हूँ ताकि वो ऊपर से भी पक जाए। अनारसे हमेशा एक साइड से तले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जब कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो बीच में गैस थोड़ी सी मध्य भी कर सकते हैं आप। ये देखिए ये हो गए हैं, तो इसे अब मैं निकाल लूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही इसे हम एयरटाइट डब्बे में रखेंगे, नहीं तो ये नरम हो सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे पिस्ता के अनारसे, जिसे हमने नाम दिया है हरियाली अनारसा, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।